बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है जो डिरेटेड और एलपी डोज फीड वाटर को बॉयलर में सप्लाई करता है। ये जो बॉयलर फीड पंप है वो वाटर को फीड करता है अगेंस्ट द बॉयलर ड्रम प्रेशर, इसलिए इसकी जो डिलीवरी प्रेशर जो होती है वो बॉयलर ड्रम प्रेशर से अधिक होती है। नॉर्मली जो फीड पंप होता है वो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। मल्टी स्टेज का मतलब ये है कि इसमें एक से अधिक इंपेलर लगे होते हैं, साथ ही ये पंप के अंदर इसमें डिफ्यूजर और रिंग लगे होते हैं जो आउटर केसिंग से कवर होता है, और इसे एक रॉड से उसे टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये पंप जो है वो मोस्टली 3000 आरपीएम पे रन करता है और ये मोटर से कनेक्ट रहता है, कपल होता है। और ये पंप की जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर या होता है या फिर ये जो टरबाइन से चलती है, जहाँ पे लार्ज बॉयलर होती है, जहाँ पे स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा फीड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे टर्बो फीड पंप यूज़ किया जाता है। टर्बो फीड पंप क्या होता है, जो बॉयलर को चालू करते समय फीड पंप को मोटर से चलाते हैं और बाद में जब बॉयलर में स्टीम जनरेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, टर्बो फीड पंप स्टीम से उस वो टेक ओवर कर लेता है। जो फीड वाटर पंप जो होता है वो एक हॉट स्टैंड में भी एक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जैसे सपोज एक पंप किसी कारणवश फेल हो गया, ठीक है, तो फीड पंप जो स्टैंड बाई है वो उसको तुरंत ही चालू करेंगे। यदि रनिंग कंडीशन में बॉयलर में वाटर का सप्लाई नहीं होता है तो उस कंडीशंस में बॉयलर में बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स है उसकी जो टेम्परेचर बढ़ेगी और हो सकता है वो डिफॉर्म में हो जाए या फिर रैप्चर या फिर एक्सप्लोजन होने का भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए यदि बॉयलर फीड पंप से अगर वाटर की सप्लाई नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में बॉयलर को तुरंत बंद किया जाता है। बॉयलर फीड पंप में एक सक्शन लाइन होती है, ये दिखाया गया सक्शन लाइन, ये डायरेक्ट स्टोरेज टैंक से कनेक्ट रहता है और इस लाइन में एक आइसोलेशन वाल और एक स्टेनर्स लगे होते हैं। ये जो स्टेनर्स का काम है इसमें क्या होता है, जो फॉरेन मटेरियल से जो अनवांटेड सॉलिड मटेरियल है लिक्विड के अंदर उसको पंप के अंदर जाने से वो रोकता है। साथ ही स्टेनर के जो वो है जो वो मॉनिटरिंग करते हैं जो चोकिंग कंडीशन होता है उसको, अगर इसमें डीपी डिफरेंशियल प्रेशर लगा होता है जो खाता है कि अगर इसकी जो डिफरेंशियल प्रेशर अगर बढ़ गया है तो उस कंडीशंस में जो स्टेनर है वो चोक हो चुका है, तो इसको क्लीन करते हैं जब बॉयलर फीड पंप बंद कंडीशन में होता है। बॉयलर जो फीड पंप के जो शाफ्ट है उसके एंड में लीकेज को अवॉइड करने के लिए दोनों एंड में मैकेनिकल सील लगाया जाता है और इस मैकेनिकल सील को ठंडा रखा जाता है। इसको एक्सटर्नल कूलिंग वाटर या फिर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली इसको वाटर दिया जाता है ठंडा करने के लिए। और बॉयलर फीड पंप में हॉट जो बॉयलर फीड पंप होता है उसमें क्या होता है, जो वाटर का सप्लाई जो होता है वो हॉट रहता है, तो हॉट कंडीशंस में क्या होता है, जो बॉयलर फीड पंप का शाफ्ट है वो भी हॉट हो जाता है, तो पंप की जो बेयरिंग को ठंडा करने के लिए भी उसको कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। बॉयलर फीड पंप की डिस्चार्ज लाइन, बॉयलर फीड पंप की डिस्चार्ज लाइन में एक डिस्चार्ज वाल्व लगे होता है और नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है और एक ऑटो रिसर्कुलेशन वाल्व लगे होते हैं।
इसे एआरसी भी कहते हैं। नॉन रिटर्न वाल्व में क्या होता है, जो फीड वाटर की जो बैक फ्लो है उसको वो रोक लेता है जब डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर नहीं होता है। तो इसलिए जब पंप को चालू करते हैं तो डिस्चार्ज वाल्व को हमेशा क्लोज कंडीशन में रखा जाता है। जो पंप के शाफ्ट के डिस्चार्ज में एक डिस्क लगा होता है जिसका काम है पंप की जो एक्सियल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए, इसे बैलेंस डिस्क कहते हैं। और इसमें एक बैलेंसिंग लाइन होती है, इस बैलेंसिंग लाइन के जो है वो डायरेक्ट डायरेक्टर से कनेक्ट होता है, जो वाटर बैलेंसिंग डिस्क से जो वाटर लीकेज होता है उसको ये सीधा डायरेक्टर को भेज देता है। इसमें एक ऑटो रिसर्कुलेशन वाल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, जब पंप को स्टार्ट किया जाता है तो पंप का जो डिस्चार्ज होता है उसको क्लोज कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि जब फीड पंप को चालू करते हैं तो उस टाइम जो ड्राइव है वो ज़्यादा करंट ना ले, तो इसलिए इसको कम अमाउंट में वाटर का सप्लाई होता है। और इस पीरियड में क्या होता है कि जो हीट है वो जनरेशन चालू होता है और पंप को बंद कर देते हैं, इसलिए इसमें मिनिमम वाटर फ्लो होता है जो ऑटोमेटिकली रिसर्कुलेशन वाल्व के थ्रू होता है। इसको जब रनिंग कंडीशन में जो मॉनिटरिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो पंप है उसकी जो सक्शन प्रेशर है उसको चेक करते हैं कि उसमें वाटर की एबिलिटी को कंफर्म करते हैं कि हो रहेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो चेक करेंगे, बैलेंसिंग लाइन के जो प्रेशर है उसको चेक करेंगे, रिसर्कुलेशन लाइन की जो प्रेशर है उसको चेक कर लेंगे, बेयरिंग की टेम्परेचर को चेक कर लेंगे, कूलिंग वाटर है जो बेयरिंग के लिए या फिर मैकेनिकल सील ग्लैंड के लिए जो कूलिंग वाटर देते हैं उसको चेक कर लेंगे प्रॉपर कूलिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और बेयरिंग में जो ऑयल का लेवल है, ठीक है, ऑयल का लेवल को चेक करने की नॉर्मल कंडीशंस में है कि नहीं, साउंड चेक कर लेंगे कहीं वाइब्रेशंस तो नहीं है ये चेक कर लेंगे, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है ये भी चेक कर लेंगे, और लास्ट में चेक कर लेंगे जो ये जो पंप है वो कितना करंट ले रहा है ये भी चेक कर लेंगे। तो इस तरह से ये फीड पंप बॉयलर फीड पंप है जो बॉयलर में यूज किया जाता है।